हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज का 13वां व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सो यार, आज मैं तुम लोगों को एक बात बताते चलूँ। आज मैं उठा था सुबह ही सुबह, तो मम्मा ने पीछे रट लगा ली, ऐसी खतरनाक रट लगाई कि मेरे को शादी में लेके चलो। आप भाई शादी नहीं हो गई, मैं नहीं जाता इन सब जगह। अच्छा, खैर अभी मम्मा ने मेरे को मना तो लिया है। और बाकी ये शर्ट आप पहने हुए देख रहे हो, ये मैंने डिसाइड करी है और ये मम्मा ने कपड़े निकाल के रखे हुए थे, जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। खैर मम्मा ने मेरे को मना लिया और मैं मान गया हूँ। ओके, सो बस तुम लोगों को यही बताते चलूँ, अब वहाँ जाएंगे क्या होगा क्या नहीं, अब मुझे तो खैर कुछ भी नहीं पता। खैर मम्मा के दोस्त उनकी बेटी की शादी है, सो बस अभी मान गया हूँ मैं, गलती कर ली है, हामी भर के अब ले जाना तो पड़ेगा। बस तुम लोगों को यही बोलूंगा, सो वेलकम टू दी पापा के व्लॉग्स। अभी मैं थोड़ा नहा धो के तैयार फ्रेश हो गया हूँ, तो अभी मैंने खाना वाना तो खा लिया था। खैर अभी शादी में थोड़ा लेट ही जाना था, टाइम देख सकते हो आप लोग, अभी तकरीबन 8:30 हो गए। और मेरा कज़न भी आने वाला है, तो उसने बोला यार मेरे को भी थोड़ा मतलब मंडाई करनी है। खैर शादी भी तो होती ही मंडाई के लिए, बंदा आराम से जाए, खा पी के आराम से आए। खैर अभी तक तो तैयार वैयार हुए नहीं, आप लोग भूलिया तो देख रहे होंगे मेरा। अभी कज़न वज़न आता है, तैयार वैयार हो गया, अभी मैं तैयारी वगैरह शुरू करता हूँ, उसके बाद मैं आपको तैयार होकर दिखाता हूँ कैसे लग रहे हम लोग, आप लोगों को कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय। पहली फुर्सत में निकल, मैं तैयार वैयार हो गया हूँ और मम्मा भी तैयार वैयार हो गई है और मेरा कजन भी आई है। सलाम अलैकुम। गजब बेइज्जती है। अबे यार ये कैमरे में से ऐसे घबराते हैं जैसे इन पे कैमरा ऑन नहीं, पिस्टल ऑन कर लिए। और पापा हमारे बैठे हैं, पापा क्यों नहीं आ रही? मैं आराम कर रहा हूँ, जा चुका हूँ शादी में। बढ़िया, मैं तुम लोगों को भेज रहा हूँ। बस यार एक तो बस एक एज हो जाती है ना बंदे की, फिर वो बोलता है फिर तुम अपने बच्चों को बोलता है बस तुम लोग घूमो और हम घर में बैठेंगे, आराम करेंगे। सो भाई चलते हैं पापा। सही है, ओके फिर मिलते हैं। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ यार शादी वादी में कैसे यार ब्लॉग बनाऊंगा यार, क्योंकि वहाँ कोई जानने वाले वाला भी नहीं है, मामा भी जानने वाले, तो बस चलते हैं फिर देखते हैं। मम्मा की दोस्त जम चाल में मैं बना लूँगा ब्लॉग, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय। हम लोग आ गए हैं यहाँ पर हॉल में, तो बस मैं तुम लोगों को यही बताते चलूँ, अंदर अगर गाना वाना बज रहा हुआ तो मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कॉपीराइट लग जाएगा। तो अभी जाते हैं अंदर, देखते हैं फिर क्या सीन है क्या नहीं, फिर मैं उसी लिहाज से व्लॉग शूट करूंगा। हम लोग यहाँ पर आ गए और वीडियो शूट करने का भी मेरे को फिर टाइम नहीं मिला था, आगे पीछे बहुत पब्लिक है यार, मैं भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब कितना करे बंदा यार, बस जितना था उतना दिखा दिया और फिर गाने वाने भी चल रहे थे, तो मैंने इस वजह से सोचा कॉपीराइट क्लेम ना हो जाए। फिर अभी खाना वाना तो खा लिया और ये मेरे सामने दो अदद और ये बड़ी कितना खाया यार भाई, आपने 2-3 प्लेटें तो खींच दिए माशाल्लाह से हम लोगों ने। फिर शादी किया ना यार, खाना वाना खाने ही आते हैं यार, घर पे तो दाल रोटी खाना ही बनता है। तो बस अभी बस यही बोलना चाहूँगा मैं तुम लोगों को, मिलते हैं थोड़ी देर से, वो गाने चल गए बाद में मिलेंगे यार, कॉपीराइट के लिए लग जाएगा। I'm lost in the way you move, the way you feel. हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और मम्मा भी बस रेडी रेडी हो रही है, बस हम लोग घर आने वाले हैं। यार गर्मी बहुत हो गई हॉल में और बाकी हॉल में नहीं आ रहा क्या करना क्या नहीं, तो अभी जा रहे हैं घर पे। और भाई मेरा मैदान भी थोड़ा परेशान हो गया था, शादी वादी नहीं है ना अपनों की, तो फिर उसमें बंदा रुक भी आता, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता, तो बस अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो उसके बाद घर ही आके मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगा। तो आप लोग बताना फिर कैसा लगा कैसा नहीं। लोग एडिट करने में तो यार ऐसा लगता है कभी कभार कि छोटा बना है, फिर जब एडिट करने बैठो ना फिर ऐसा लगता है बहुत बड़ा बन गया, फिर उसमें कट करना पड़ता भाई। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आप
हैं, और बस मैं आप लोगों से यही बोलूँगा ट्रैफिक बहुत जाम था, तो बस छोटा सा ये ब्लॉग को इंजॉय करो, इतना खैर मैं बना नहीं पाया और इस वजह से, क्योंकि यार दरअसल म्यूज़िक बज रहा था, साउंड वाउंड बज रहा था, और मैं अपनों की शादी होती तो मैं उसमें ज़रूर बोल देता नहीं यार थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, क्योंकि मेरे को ब्लॉग बनाना है, तो खैर अभी कुछ भूल भी नहीं सकते थे, फ्रेंड की शादी में गए थे, तो इस वजह से बस जितना बना सका उतना बनाया। तो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा मेरा, तो लाइक करो जल्दी से जाके, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, कमेंट करो। आपका भाई जितनी मेहनत कर रहा है यार, थोड़ी सी तुम लोगों का भी काम है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ तुम लोग की, और ताकि मेरा थोड़ा जज्बा बढ़े और मैं तुम लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो और बना दे। और बाकी यार इसका हाल देख रहे हो गए, खाना वाना खा के मतलब ख़त्म। तो बस मैं तुम लोगों को यही बोलूँगा, अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो जल्दी से जाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।